हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स मंत्री चैनल में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में 2 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। हम चलते हैं कल के सवाल के जवाब की तरफ। हमारा कल का सवाल था, किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 मिला है? रोहित शर्मा को मिला है 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और ये रोहित शर्मा जी है चौथे नंबर के क्रिकेटर हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट तथ्य यह भी है कि जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी है वो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को मिला है। हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं आगे। जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है उनको जानेंगे हम इस स्लाइड में। खेल के क्षेत्र में बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला है अर्जुन पुरस्कार, दूसरा एकलव्य पुरस्कार, अगला है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, अगला है द्रोणाचार्य अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल की दुनिया में दिया जाने वाला सबसे बड़ा भारतीय सम्मान है, आप इसको याद रखो। और इसकी शुरुआत, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुई थी और जो पहले खिलाड़ी इस अवार्ड को पाने वाले थे विश्वनाथन आनंद। और अभी 2020 में इसकी जो अवार्ड मनी है उसको रिवाइज कर दिया गया है, अब मिलता है 25 लाख रुपए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी को। हम थोड़ा 2020 के जो अवार्ड विनर्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये जो दिन है वो हमारे हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जन्म तिथि को मनाता है। और 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला 5 लोगों को। हम देख लेते हैं उनको वन बाय वन करके। पहले हैं रोहित शर्मा जी जो कि एक क्रिकेटर हैं, अगले हैं मरियप्पन टी जो कि पैरा एथलीट हैं, तीसरे नंबर की प्लेयर है मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस प्लेयर है, चौथी नंबर की प्लेयर है विनेश फोगाट जो कि कुश्ती खेलती है, लास्ट का है पांचवा नंबर का प्लेयर वो है रानी रामपाल जो भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान है। आप पांचों खिलाड़ियों के नाम याद रखो, साथ में कौन से खेल से संबंधित वो भी याद रखो। हम चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी रेलवे ने नया अध्यक्ष चुना बोर्ड के लिए, वो है सुनीत शर्मा जी। आगे चलते हैं दूसरे सवाल पर। द जुकोव घाटी एक लोकप्रिय ट्रैक गंतव्य किस भारतीय राज्य में स्थान है? ये जो द जुकोव घाटी है एक बहुत ही फेवरेट, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह, डेस्टिनेशन है घूमने के लिए भी, ये है मणिपुर राज्य में स्थित है, आप इसको याद रखो, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अंतर विवाहित जोड़ों की मदद करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम जिसको बोलते हैं द स्पेशल मैरिज एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? ये जो कानून है द स्पेशल मैरिज एक्ट ये 1954 में लाया गया था। इसके आसपास जो शादी संबंधी जो कानून है हम उनको देख लेते हैं आगे। अगला एक हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 में लाया गया था। मुस्लिमों के लिए मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है मुस्लिम लॉ के अंदर। क्रिश्चियन के लिए इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 का और उसके बाद में डिवोर्स एक्ट 1869 का। पारसियों के लिए है पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 का। हम चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। यूएनएससी का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो 1267 का जो रेजोल्यूशन है उसके ऊपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आतंकवाद से संबंधित है। सवाल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 को किस वर्ष में अपनाया गया था? ये जो प्रस्ताव था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ये 15 अक्टूबर 1999 को अपनाया गया था। और ये जो प्रस्ताव है जो टाइम अफगानिस्तान में जो आतंकवाद की जो सिचुएशन थी, वहां जो अलकायदा, वहां के जो ओसामा बिन लादेन, इन लोगों ने वहां पे जो एक आतंक मचा रखा था उसके खिलाफ लड़ने के लिए, उसके खिलाफ एक कड़ा कदम उठाने के तौर पे यूएनएससी ने ये 1267 प्रस्ताव को पारित किया था। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है उसको सुधार लाने के लिए वहां जो आतंकवाद ग्रुप थे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए ये ग्लोबल लेवल पे एक रिजोल्यूशन पास किया गया था संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर। और जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूएनएससी के वो हम देखते हैं, पहला है चाइना, दूसरा फ्रांस, तीसरा रशिया, चौथा यूके और पांचवा यूएस। पूछा जाता सवाल कि कौन सा एक परमानेंट मेंबर नहीं है यूएनएससी का, यूएनएससी का मुख्यालय पूछा जाता है।
और नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने होते हैं इसमें? 10 होते हैं, और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल होता है 2 साल का। आगे चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। लघु बचत योजनाएं जैसे कि पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एसएसवाई, सुकन्या समृद्धि योजना, केवीपी, किसान विकास पत्र, ये सब स्मॉल सेविंग्स स्कीम है, छोटी छोटी जो बचत होती है उसको जमा कराया जा सकता है। लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें वित्त मंत्रालय द्वारा किस बेसिस पर अधिसूचित किए जाते हैं? इनकी जो ब्याज की दरें हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री त्रैमासिक हर क्वार्टर में अनाउंस करता है, नोटिफाई करता है। Q4 उसके लिए 7.6% रहेगी सुकन्या समृद्धि योजना के लिए। हम चलते हैं सवाल 6 पर। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फटप का मुख्यालय कहां स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। सवाल 7 पर चलते हैं। सवाल 7 स्पोर्ट्स से रिलेटेड। नवीनतम आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज रैंकिंग किसे दिया गया है? न्यूजीलैंड के कप्तान है केन विलियमसन, उनको मिला नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग आईसीसी की। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल 8 पर। सवाल 8 है, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी माइकल किंडो का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? ये जो माइकल किंडो है बहुत ही फेमस भारतीय हॉकी प्लेयर रह चुके हैं। सवाल 9 पे चलते हैं। सवाल नंबर 9 है, केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? ये जो हवाई अड्डा है बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सवाल 10 पर चलते हैं, जो कि आज का आखिरी सवाल है। सवाल है, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे को कौन से देश ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है? ऐसा करने वाला देश है साउथ कोरिया। हमारे सेना प्रमुख अभी कौन है? जनरल एमएम नरवणे, पूछा जा सकता है इसके बारे में। आगे चलते हैं, अदर इंपोर्टेंट न्यूज कवर करते हैं। 3 हम कवर करेंगे, 3 न्यूज कवर करेंगे। पहली न्यूज है, ऑस्ट्रेलिया ने मूल निवासियों को सम्मान देने के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदला है, जिसे प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने एकता की भावना करार दिया है। हम देखते हैं कि वहां पे बदलाव हुआ कि राष्ट्रगान, उसमें प्रधानमंत्री मॉरिसन ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्रगान, वहां का राष्ट्रगान का नाम क्या? एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर, उसकी दूसरी पंक्ति में चेंज किया। चेंज ये है, अभी पहले ये था फॉर वी आर यंग एंड फ्री, यानी कि हम युवा एवं स्वतंत्रता, इसको बदल के वहां पे हो गया फॉर वी आर वन एंड फ्री, फॉर वी आर वन एंड फ्री, हम एक एवं स्वतंत्र करने की घोषणा की है। मतलब कुल मिला के यंग को वन कर दिया उन्होंने भाई। आगे चलते हैं दूसरी खबर पे। दूसरी खबर है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत को 2 वर्ष का कार्यकाल आज से शुरू हो चुका है 1 जनवरी से। आगे चलते हैं तीसरी खबर पर। सरकार ने निर्यात वाली वस्तुओं पर शुल्क और कर जमा कराने की योजना, जिसको बोलते हैं रोड टैप, का लाभ आज से सभी निर्यात वस्तुओं पर देने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है। ये जो रोड टैप स्कीम है इसके ऊपर हम अलग से वीडियो लेके आएंगे आज, जो कि 3-4 मिनट का होगा, तो उसमें हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। हम आगे चलते हैं, टेबल ऑफ जी के फैक्ट्स है उसको देखते हैं हम इसमें। पहला है इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस, आईयूसी इसको बोलते हैं। जब कोई भी एक नेटवर्क का जो कॉलर है, यूजर है, वो दूसरे नेटवर्क पे कॉल करता है, तो उस टाइम पहले वाले नेटवर्क को दूसरे वाले नेटवर्क को फिक्स पैसा देना पड़ता है उसके नेटवर्क को यूज करने के लिए, उसको बोलते हैं इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस। जो अभी है, जैसे जियो का यूजर अगर एयरटेल के यूजर को कॉल करता है, तो जियो को एयरटेल के नेटवर्क को यूज करने के लिए 6 पैसा पर मिनट के हिसाब से चार्ज पे करना रहता था अभी, जो कि इंटरकनेक्ट यूजेस फी होती थी, उसको अब एंड कर दिया। जो इंटरकनेक्ट यूजेस जो एरा है वो एंड हो चुका है, जो ट्राई का रेगुलेशन है उसमें। अब ट्राई के बारे में देखते हैं, ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अभी कौन है? वीजी सोमानिधि है। और जो 8 कोर इंडस्ट्रीज होती है, 8 कोर सेक्टर्स, वो होते हैं कोल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोल डीजल, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आगे चलते हैं एमटीपी एक्ट, एमटी की फुल फॉर्म होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। अभी सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके चेयरमैन है शिवदास मीना। आगे चलते हैं, इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन पे कौन है? टीएस त्रिमूर्ति जी। और यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और का सवाल है, सार्क क्षेत्रीय समूह में कितने सदस्य देश है?
आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दे, साथ में जो भी सार्क के बारे में आप जानते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कर दे, जो रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक पहुंचा दे। हम उसको ध्यान में रखकर भारतीय संविधान के ऊपर भी सीरीज स्टार्ट किया कल।